अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है द हैंडसम इमरान हाशमी, जो नकल में ही अकल सिखाने आ रहे हैं। इमरान, वेलकम टू E24। थैंक यू। इमरान, आपकी फिल्म आ रही है चीट इंडिया, जिसका ट्रेलर तो काफ़ी धमाकेदार दिखाई दे रहा है। उसमें एक डायलॉग भी है कि ऊपर वाला दुआ कबूल करता है और मैं कैश। क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। हमारे एजुकेशन सिस्टम से हम एक तरह से सब जुड़े हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे, जब हमारे पेरेंट्स स्टूडेंट थे, जब हमारे बच्चे होते हैं तो वो स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो उनका एक तरह से प्रेशर हम लेते हैं। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम एट द कोर बहुत ही फ्रैक्चर्ड है, बहुत ही रिग्रेसिव है, कहीं अपने पास्ट में एक तरह से इट्स वेरी इनफेक्टिव। तो हमारी फिल्म है उस चीज़ को दिखाती है कि किस तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खोखली हैं, जिस पर बहुत काम करना बाकी है, और इस चीज़ के इर्द गिर्द बहुत सारे स्कैमस्टर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, जो पैसे बनाते हैं, कुछ पैसों के लिए अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट दिलाते हैं, और उनमें से जो मेन मिडल मैन है वो है रॉकी का, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। चीटर मास्टर के कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, जो आप रोल प्ले कर रहे हैं? तो एक बहुत ही ऑनेस्ट चीटर है, पैसों के लिए वो अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट दिलाता है। इसके कुछ 17-18 आइंस्टाइन बच्चे हैं जो इन अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए जाके एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम्स देते हैं, उन अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट्स मिल जाते हैं और इसको पैसे मिलते हैं। ये इसका जो नेक्सस है, कॉन्टैक्ट्स हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रिंसिपल्स, फैकल्टीज, सब लोगों के साथ, मिनिस्टर्स के साथ। इतने लंबे गैप के बाद आप फिल्म लेकर आ रहे हो, कुछ खास वजह ये स्क्रिप्ट चुनने के लिए? मेरे पास लास्ट फिल्म लास्ट ईयर मेरी सितंबर में रिलीज़ हुई थी, लेकिन मैं कोई भी फिल्म लेकर मैं बनाना नहीं चाहता था। एट द सेम टाइम मैं प्रोड्यूसर भी बनना चाहता था लास्ट ईयर, तो स्क्रिप्ट्स में पढ़ रहा था, थोड़ा वक्त लग गया, और जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली लास्ट ईयर दिसंबर में, इस पर वक्त चल रहा था, वक्त थोड़ा काम हम लोग कर रहे थे, तो थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए एक थोड़ा सा लंबा गैप हो गया। जनरली मैं हर साल 2 या 3 फिल्में रिलीज़ करता हूँ। इमरान, ऐसे भी हो रहा है कि अभी मनिकर्णिका का भी फिल्म क्लैश हो रही है, तो एक क्या नज़रिया रखते हैं कि अगर कोई बड़ी फिल्म नहीं है? मैं जो फिल्म वो जो हमारी जो रिलीज़ डेट है जो वो वीकेंड है, उसमें रिपब्लिक डे आता है, हमारे पास बहुत सारे स्क्रीन हैं हिंदुस्तान में, 2 अलग किस्म की फिल्में हैं, तो वैसा कुछ थ्रेट नहीं फिल्मों को लेकर। जो लोग ये आकर देखें कि इसकी एक अलग ऑडियंस है, उसकी अलग एक अलग ऑडियंस है, तो दोनों जॉनर्स जो हैं अलग अलग जॉनर की फिल्म है, तो इसमें कोई ना हम आई थिंक स्ट्रेस हो रहे हैं ना वो स्ट्रेस हो रहे हैं। हर फिल्म के लिए एक ऑडियंस होती है और होपफुली सभी फिल्में चलेंगी। टाइगर्स के बाद चीट इंडिया, मतलब फैंस के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया, जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि अगर आप स्टूडेंट रहे हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये फिल्म आप इस सब्जेक्ट के साथ बहुत रिलेट कर पाओगे। बहुत ही हार्ट हिटिंग सब्जेक्ट है, एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, और बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म के ज़रिए जो हम मैसेज देना चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में एक तरह से एक रिफॉर्म आए, एक बदलाव आए, और जल्द से जल्द हमारी जो गवर्नमेंट है, एजुकेशन फैकल्टीज़ हैं, इस सिस्टम को कहीं बदलें, क्योंकि जो रट्टा मारने का जो सिस्टम है हमारे जो पढ़ाई का होता है वो बहुत ही पुराना है, और इससे किसी स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होता है, और जो करप्ट सिस्टम है इस सिस्टम को और भी खोखला कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को, तो पूरी चीज़ का एक रिविजन होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इमरान हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विवेश के साथ मैं मनीषा अवतारी, E24 मुंबई।